हेलो एवरीवन, आइए आज बात करते हैं क्वेश्चनर के बारे में और स्केल के भी कुछ हम पॉइंट्स देखेंगे। तो हम बेसिकली तीन चार चीज़ों की बात करेंगे। एक तो इन टर्म्स में क्या फ़र्क है, क्वेश्चनर, स्केल, कंस्ट्रक्ट, रिफ्लेक्टिव, फॉर्मेटिव, ये सब क्या है। सेकंड हम ये देखेंगे कि क्वेश्चनर का स्ट्रक्चर कैसे होता है और स्केल से रिलेटेड हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। और फाइनली एक हम चेकलिस्ट भी बनाएंगे कि क्या क्या आपके काम के अंदर हो सकता है एज पर योर वर्क। सबसे पहले हम एक बार टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो एक टर्म पेपर्स में लिखी जाती है, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल करेक्ट टर्म है कि डाटा कलेक्शन के लिए आपने क्या यूज किया। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो फ्रेंड्स हैं वो भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, इंजीनियरिंग के फ्रेंड्स भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, हमारे जो फाइनेंस के फ्रेंड्स हैं या इकोनॉमिक्स के वो सेकेंडरी डाटा पे काम करते हैं। लेकिन ज़्यादातर मार्केटिंग, एचआर, साइकोलॉजी, सोशल साइंस, इनमें हम रिस्पोंडेंट से सर्वे मेथड यूज करते हैं। और सर्वे मेथड के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, लोग हमारे जवाब देते हैं, एक्चुअली हम क्वेश्चनर ही उनको दे देते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म है क्वेश्चनर, जो काफ़ी होलिस्टिक टर्म है, काफ़ी बड़ी टर्म है। स्केल इसका एक पार्ट है। क्वेश्चनर के अंदर जनरली इट्स बेसिकली सेट ऑफ क्वेश्चंस रिटन ऑन अ पेपर, पर उसके कुछ इसके अलग अलग सेक्शंस होते हैं क्वेश्चनर में। तो इसके अंदर हो सकते हैं ये चीज़ें हों आपके बाइनरी एमसीक्यू क्वेश्चंस, जैसे आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल होते हैं, फिर आपके स्केल इसका पार्ट हो सकता है, रैंकिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं, ओपन एंडेड इसका हो सकता है। जबकि स्केल के अंदर अगर हम बात करें तो स्केल में सबसे पहले तो आपका आता है एक ओपिनियन आप मेजर कर रहे हैं, जो अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चन से मेजर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये तो आपसे पूछ सकता हूँ कि आपके पास कौन सा मोबाइल है, कौन सी कंपनी का है, प्राइस कितनी है, ये तो एक हुआ। पर उस मोबाइल से आप कितने सेटिस्फाइड हैं, ये यस नो में नहीं पूछा जाना चाहिए, थोड़ा सा और डिटेल में पूछा जाना चाहिए। तो स्केल नंबर एक तो ओपिनियंस के लिए हो गया। फिर इसमें आप एक डायमेंशन लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सेटिस्फेक्शन कह रहा हूँ तो ये एक डायमेंशन। अब इसको साइकोलॉजी में कंस्ट्रक्ट बोलते हैं, मैनेजमेंट में फैक्टर या डायमेंशन, स्टेटिस्टिक्स में लेटेंट वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर मल्टी डायमेंशनल कंस्ट्रक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे टीचर की इफेक्टिवनेस। तो टीचर के पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, टीचर पे पेशेंस होना चाहिए, इंट्रैक्शन हो, तो ये अलग अलग डायमेंशंस हैं। तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट आता है रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव का भी। तो रिफ्लेक्टिव में आप एक ही डायमेंशन को पूछते हैं, बार बार पूछते हैं। फॉर्मेटिव में आप बहुत सारे अलग अलग सब डायमेंशंस को पूछते हैं। इनके अंदर जो आप आइटम्स पूछते हैं उसको आइटम, स्टेटमेंट, वेरिएबल ऐसे बोल देते हैं। जो साइकोलॉजी का दुनिया में इसको आइटम बोलते हैं, मैनेजमेंट कॉमर्स में स्टेटमेंट और स्टेटिस्टिक्स में वेरिएबल बोल देते हैं। स्केल की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, ये जो आपको याद रखनी है ये की पॉइंट, इसमें एक स्कोरिंग की होती है। हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मेरे पास एक स्केल है, आर यू अ सेल्फ मैनेजर। तो इन्होंने कहा कि 7 पॉइंट के ऊपर बताना है आपको ये, और 3-4 इन्होंने डायमेंशन लिए हैं। प्लानिंग के बारे में बताइए, एक्सेस मैनेजमेंट के बारे में बताइए, कैचअप एक्टिविटी, इमोशन मैनेजमेंट। हर एक के ऊपर आप अपना यहाँ पे स्कोर देंगे 1 to 7। 1 means नेवर डू इट, 7 means ऑलवेज डू इट, और फाइनली हम यहाँ पे करेंगे आप इनका एडिशन करें। 48 मैक्सिमम हो सकता है, इसके अंदर 18 हो सकता है, यहाँ 18, यहाँ 24। आपका स्कोर कितना आया उसके अकॉर्डिंगली हम प्रिडिक्ट करेंगे आपका बिहेवियर कैसा है। तो जब भी स्केल होगा, जस्ट रिमेंबर आपका स्कोरिंग की जरूर होगा, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपका। दिस कैन शूट यूनिवेरिएट, आपने क्वांटिफाई कर दिया है उस ओपिनियन को, चाहे आप एक्सेल में करें, SPSS में करें, राइट, ये जरूर ही करना है। एक और देखते हैं, सेल्फ एस्टीम। 5-पॉइंट स्केल है, कुछ स्टेटमेंट है। अब इसके अंदर से कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। ये कह रहे हैं कि ऐसे स्टेटमेंट का सीधा करें और बाकी के जो 10 हैं उसका रिवर्स कोडिंग करें और उसके बाद अपना स्कोर देखें। तो ये इम्पेरेटिव है आपके लिए कि स्कोरिंग की जरूर ही होनी चाहिए आपके पास, तब वो स्केल कहलाएगा और उससे हम ये भी इंश्योर कर पाएंगे कि वो आपका यूनिडायमेंशनल बन गया है। इसमें एक बार हम देखते हैं कि क्वेश्चनर में क्या क्या होता है इन जनरल, ये चेकलिस्ट टाइप है। तो सबसे पहले तो आपका एक ओपनिंग स्टेटमेंट होती है, इंट्रोडक्शन अबाउट योर वर्क, आप कौन है, कहाँ से हैं, क्या काम कर रहे हैं,
और इसमें ये भी आप लिखते हैं कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है सिर्फ एकेडमिक पर्पज़ के लिए यूज की जाएगी, कहीं पब्लिश नहीं होगी, कहीं रिवील नहीं होगी। आप ये भी करते हैं कि उनसे नाम, मोबाइल नंबर, पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं पूछते हैं। फिर आपका क्वेश्चनर हमेशा सेक्शंस के अंदर होता है, तो उसके अंदर आपके डेमोग्राफिक हो सकते हैं, एमसीक्यू, बाइनरी, रैंकिंग क्वेश्चन, स्केल भी हो सकता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं यहाँ पे, और लास्ट में आप थैंक्स एक्नॉलेजमेंट जरूर करते हैं। कुछ एक दो और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसके रिलेटेड कौन कौन से आपने क्वेश्चन पूछे हैं, यू मस्ट बी एबल टू आंसर कि ये तीन चीजें, पांच चीजें, नॉट एग्जैक्टली सीक्वेंस में ही हो, ना भी हो सीक्वेंस में, पर आपको पता हो कि ये मेरे क्वेश्चंस हैं जो मेरे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के लिए हैं, सेकंड के लिए ये हैं, थर्ड के लिए, एंड वाइस वर्सा। अगर मैं क्वेश्चन में पूछू रैंडमली क्वेश्चन नंबर 13 ये किसके लिए है, यू मस्ट नो कि मेरा क्वेश्चन इस ऑब्जेक्टिव के लिए है, यानी ऑब्जेक्टिव और वेरिएबल का मैच होना चाहिए। तो यहाँ कुछ लोग बोलते हैं कि हम क्वेश्चनर में एक्स्ट्रा बातें भी पूछ लेते हैं जो हमारे में भी रिसर्च वर्क का नहीं है पार्ट, उस पे हम पेपर लिखेंगे, परफेक्टली ओके कर सकते हैं सर, पर वो भी आपको पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चन है जो मुझे बाद में यूज करने हैं। कोई भी क्वेश्चन हम ऐसे नहीं पूछते कि बस ऐसे पूछ लिया था ये तो। हाँ, ऐसा होता है कि आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा रैपो बिल्डिंग के लिए क्वेश्चन किए हैं, उनको एनालाइज नहीं किया जाएगा, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली ओके। अगर रैपो बिल्डिंग के लिए तो कुछ थ्योरीज हैं कि हमेशा अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं पहले रिस्पोंडेंट को कंफर्टेबल फील करवाएं, कुछ इजी क्वेश्चन उनसे पूछिए कि वो आराम से दें, तो सहजता से एक बार चलते चले, यस 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 पॉजिटिव माइंड सेट में दें। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल स्टार्ट में पूछे जाने चाहिए ताकि लोग क्विकली क्विकली आंसर दें और एक कंफर्टेबल जोन में आ जाए। कुछ ऐसे भी हैं जो बोलते हैं नहीं वो लास्ट में पूछें क्योंकि तब तक फटीग इफेक्ट आ जाता है, तो लास्ट में आप ये करते हैं चलो ये तो बड़े सिंपल सी बातें हैं, डेमोग्राफिक लास्ट में पूछ लेते हैं, दोनों ही ठीक है। तो पर आपके पास ये जरूर होना चाहिए कौन सा ऑब्जेक्टिव और कौन सा वेरिएबल। सेकंड, इसमें ब्रांचिंग का भी इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास कोई भी डिजिटल असिस्टेंट आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल एलेक्सा या गूगल होम टाइप का, और पर्सन ने कहा नो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसका नहीं होना चाहिए कि नो वाला भी आंसर करे। ये छोटी सी बात अक्सर भूल जाते हैं स्कॉलर्स। ब्रांचिंग का मतलब है वहां लिखा होगा इफ नो गो टू क्वेश्चन नंबर सच एंड सच, तो मतलब स्किप कर दीजिए यहाँ पे, तो आपका एक्चुअली एक ब्रांच बनेगा, एक डिसीजन लूप टाइप का बनेगा, डिसीजन स्ट्रक्चर टाइप का बनेगा कि अगर जो नो बोलता है फिर ये क्वेश्चन को आंसर नहीं करेगा, आप सीधा यहाँ जाए। ये अक्सर मिस होती है कि हम ये मान लेते हैं नो है कोई भी तो भी अगले का आंसर करें क्वेश्चंस को, विच इज रॉन्ग, तो ये आपको हटाना होगा वहां से। ब्रांचिंग इसमें देखिए, नेक्स्ट आपकी जो वर्डिंग्स हैं उसके मीनिंग, उसका सीक्वेंस क्वेश्चंस के, ये बार बार चेक करें, इसीलिए प्री टेस्टिंग की जाती है। आप इन चीजों को बार बार चेक करते हैं प्री टेस्टिंग, पायलट टेस्टिंग में सही है या नहीं। प्री टेस्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपने क्वेश्चनर के फ्लॉट करने से पहले जो एक्चुअल रिस्पोंडेंट है उनसे बात करते हैं, उनसे बात करके आप पूछते हैं कि तुम बताइए इस पे क्या सोच रहे हो, इसको किस तरह से, अपना मत बताइए कि मैं ये सोच रहा हूँ, उससे पूछिए कि तुम्हें क्या समझ आ रहा है इस बात से, एंड इट विल बी आई ओपनर। तो क्या सीक्वेंस होता है, और ये भी नहीं है कि ये एक ही बार चेक किया जाता है, बार बार भी चेक किया जा सकता है, चार बार पांच बार मिलना हो सकता है रिस्पोंडेंट से, और सीक्वेंस कैसे है, वर्ड्स के क्या मीनिंग हो रहे हैं, कौन से वर्ड है जो उनको समझ में नहीं आ रहे हैं, इन सब का आपको ख्याल रखना है। जब भी हम स्केल बोलते हैं इन जनरल हर एक के दिमाग में लिकर्ट स्केल आता है, पर एक्चुअली हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। लिकर्ट स्केल से भी पहले जो था वो थर्स्टोन स्केल था, इक्वल अपेयरिंग इंटरवल स्केल, फिर सेमेंटिक रेटिंग स्केल कैटेगरी है जिसमें लिकर्ट स्केल है, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है, कुमुलेटिव स्केल है गटमैन का। तो कॉमन मेथड बायसनेस का कंसेप्ट ये बोलता है अगर आप अपना क्वेश्चनर बना रहे हैं स्केल है, प्रेफरेबली डिफरेंट वेरिएबल शुड बी मेजर्ड ऑन द डिफरेंट मेथड्स ऑल टुगेदर अगर पॉसिबल हो, यानी एक आपने किया एक्सपेरिमेंटल से और एक उसी रिस्पोंडेंट से आपने पूछ लिया स्केल मेथड से,
अगर मेथड्स आपके लिए पॉसिबल ना हो तब एटलीस्ट स्केल डिफरेंट कर लें। तो सिमेंटिक डिफरेंशियल बहुत कॉमनली यूज होता है अदर देन लिकर्ट स्केल। ऐसा कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिकर्ट पे है, इंडिपेंडेंट सिमेंटिक डिफरेंशियल पे है। ऐसा भी संभव ना हो तो लिकर्ट स्केल के एंकर पॉइंट अलग हो सकते हैं, एक 5 पॉइंट पे, एक 7 पॉइंट पे, ऐसा भी किया जा सकता है। तो कॉमन मेथड बायसनेस में उनका ये कहना है कि एक मेथड को यूज ना करें, उससे बायसनेस आता है। तो वैरायटी हमारे पास होती है। जब भी कंस्ट्रक्ट आप फॉर्मुलेट करें तो सबसे पहले तो एक बार ये देखें, मैंने कल से प्लेलिस्ट में बात की है, ऑब्जेक्टिव वाइज एनालिसिस, यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट, मल्टीवेरिएट ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे मैंने ये लिया, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ कंपनसेशन ऑन द एम्प्लॉयज मोटिवेशन। अब इसमें वेरिएबल कितने हैं, आई कैन सी एक तो यहाँ पर कंपनसेशन है वेरिएबल, और दूसरा वेरिएबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है मोटिवेशन, किसका, एम्प्लॉयज का। अब अपने आप से पूछें वेरिएबल कौन से हैं और ये इंफॉर्मेशन है या ओपिनियन है। अब कंपनसेशन, मे बी आई एम जस्ट टेकिंग योर एक्चुअल सैलरी, अगर एक्चुअल सैलरी है तो ये ओपिनियन थोड़ी है, फिर तो ये इंफॉर्मेशन हुई ना। तो अगर इंफॉर्मेशन है तब हमारे पास होते हैं एमसीक्यू, बाइनरी, ओपन एंडेड क्वेश्चन, और जहां ओपिनियन होते हैं वहां रैंकिंग या रेटिंग स्केल होते हैं। इसमें से भी रैंकिंग जो होता है वो जनरली वर्ड प्रेफरेंस आता है, वहां पे ब्रांड प्रेफरेंस, ऑप्शंस, इनके प्रेफरेंस के लिए रैंकिंग आता है, मतलब ये बड़े सिनोनिम से है। तो यहाँ पे जैसे मोटिवेशन है, सर्टेनली ये एक ओपिनियन है, इसके लिए हमें स्केल बनाना चाहिए। फिर कुछ चीजें आप रिस्पोंडेंट से इंटरेक्ट करके उनके बारे में जानते हैं। पहला तो ये जानते हैं कि उनके अनुसार वो इस कंसेप्ट को, मोटिवेशन को, एक एज ए होल लेके चलते हैं या इसके अलग अलग डायमेंशन हो सकते हैं। मोटिवेशन एक हो सकता है इंट्रिंसिक, एक हो सकता है एक्सट्रिंसिक। एक तो मोटिवेशन है, खुद ही मोटिवेशन है, एक है जो लीडर इंड्यूस्ड है, तो या टीम इंड्यूस्ड है। तो अगर ऐसा है तो आप फॉर्मेटिव सोच सकते हैं, अगर आप कहीं नहीं ओवरऑल होता है तो आप रिफ्लेक्टिव ले सकते हैं, थ्योरी का भी सपोर्ट चाहिए आपको यहाँ पे। तो रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव के बारे में रिस्पोंडेंट से बात करके आप पता लगाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको एज ए स्कॉलर लगता है, या रिव्यू भी बोलता है कि ये रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव है, सेकंड ऑर्डर। रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव का मतलब है कि आपके पास कुछ लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है और इन दोनों से मिलके एक हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट बनता है, एरो इधर आएंगे। लेकिन ये तब पॉसिबल होगा स्टेटिस्टिकली अगर दो कंस्ट्रक्ट के बीच में काफी हाई रिलेशन हो। देखिए जैसे मैं यहां बोल रहा हूं ना कि रिफ्लेक्टिव में, कंस्ट्रक्ट में सारी ही डायमेंशन, सारी स्टेटमेंट आपको सेम होती है, सब्स्टिट्यूट्स टाइप होती है, तो बहुत हाई कोरिलेशन होता है। उसी तरह से जो अलग अलग कंस्ट्रक्ट हैं इनके बीच में अगर हाई कोरिलेशन होगा तो हमारा सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्टिव बनेगा। अगर आप कहें नहीं ये अलग अलग चीजें हैं जो मिलके कॉम्प्लीमेंट करती हैं और एक फाइनल चीज बनाती हैं, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव। ये कंस्ट्रक्ट से कंस्ट्रक्ट बना सेकंड ऑर्डर, लोअर रिफ्लेक्टिव है और हायर फॉर्मेटिव है, ये है सेकंड रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव। अब इसमें कई बारी, हालांकि इसकी हम अलग कई प्लेलिस्ट में बात कर चुके हैं, पर पॉइंट यहां पर यह है कि ये कौन बताएगा कि सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्टिव है या सेकंड ऑर्डर फॉर्मेटिव। एक तो बताती है थ्योरी और एक बताते हैं रिस्पोंडेंट। इसीलिए मेरा ये कहना है कि रिस्पोंडेंट से भी बात करें, दैट्स परफेक्टली ओके कि आप बोलें कि नहीं शुरू तो आरओएल से करेंगे, रिव्यू से करेंगे, थ्योरी से, बिल्कुल ठीक है, पर आपके काम में क्या आएगा ये आपको पता लगेगा रिस्पोंडेंट से, इसलिए उनसे बात करना जरूरी है। फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव के अलावा आपको ये भी यहाँ पता लगेगा कि उनका अवेयरनेस लेवल कितना है। जितने ज्यादा अवेयर होंगे आपके ज्यादा एंकर पॉइंट्स होंगे, 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 9 पॉइंट, और हर एक के आपको रेफरेंस मिलते हैं, कब यूज करें या क्यों यूज करें या ना करें, दोनों ही। जब भी आप इसको करें आपका एंकर पॉइंट आपके पास जरूर ही होना चाहिए, और एंकर के पॉइंट के बाद एक कंस्ट्रक्ट को मेजर करें। कुछ चीजें क्या कॉमन गड़बड़ हो जाती हैं, स्कॉलर शुरू में ध्यान नहीं रहता, वो यूनिवेरिएट कंस्ट्रक्ट लेके चलते हैं लेकिन स्टेटमेंट ऐसे बना देते हैं, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंपनसेशन ऑन मोटिवेशन, वेरी हाई इफेक्ट टू नो इफेक्ट एट ऑल। अब देखिए आप चाह रहे थे कि हम इफेक्ट ऑफ कंपनसेशन देखें, मोटिवेशन देखें,
यहाँ पे आप सोचें एसपीएसएस के डाटा एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही शानदार चीज है। एसपीएसएस ये बोलता है वन पर्सन इज इन वन रो, ये रिस्पोंडेंट वन, रिस्पोंडेंट टू एंड वन रिस्पॉन्स इज इन वन कॉलम। तो यहां पे आपका कंपनसेशन आना चाहिए और यहां पर आपका मोटिवेशन आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन जब आप स्टेटमेंट बना रहे हैं इफेक्ट ऑफ कंपनसेशन ऑन मोटिवेशन, मैंने कहा हाई इफेक्ट, तो ये दो थोड़ी बने। मैंने यहां पे क्या कर दिया, एक्चुअली मैंने यहां पे इसका आंसर दे दिया 5-4-3 ऐसे इफेक्ट, तो ये यूनिवेरिएट बन गया। एक्चुअली था, होना चाहिए था बाईवेरिएट, ये सेपरेट मेजर किया जाना चाहिए था, ये सेपरेट मेजर किया जाना चाहिए था, पर इस तरह की स्टेटमेंट बना के हमने अपने बाईवेरिएट काम को यूनिवेरिएट में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं जो बोल रहा हूं, हमेशा यूनिवेरिएट कंस्ट्रक्ट बनाएं। इसका मतलब अपने आप से पूछें कि मेरा पहला, अगर मैं सिर्फ कंपनसेशन करके लोगों को बताऊं कि अच्छा कंपनसेशन तुम्हारा कितना आया है, अब ये तो वो बात होगी उनसे पूछ के उन्हीं को बता रहे हैं, ठीक है। मोटिवेशन की बात करते हैं। देखिए अगर मेरे पास एक वेइंग मशीन है, आप उसके ऊपर खड़े हुए, तो मैं आपको अब ये तो बताऊंगा ना आपका वेट कितना है। उसी तरह से मैंने पर्सन से पूछा कि आपका मोटिवेशन लेवल, वो पर्सन पूछे कि बताओ क्या पता लगा, तो मैं कुछ बताऊं तो तुम्हारा मोटिवेशन लेवल भी इतना है इतना है, इसीलिए वो हमारे पास कीज आ जाती है। देखिए यहाँ पे कि मैं यहाँ पे आंसर करके बताऊंगा कि अगर आपका टोटल इतना है तो ऐसा मोटिवेशन, इतना है तो ऐसा मोटिवेशन, सो तो ये आपको जरूर ही बताना है और वो आता है आपके कीज से। तो की जरूर लेके चले अपनी, और इंटरप्रिटेशन भी उससे निकलता है। हर कंस्ट्रक्ट की बात करें, कभी गड़बड़ नहीं होगी, बायोवेरिएट स्टेटमेंट ना बनाए। ओके लेट्स कंटिन्यू, कुछ और क्वेश्चंस। हर रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट में आपके पास नेगेटिव स्टेटमेंट भी प्रेफरेबली, कंपल्सरी नहीं है, प्रेफरेबली होने चाहिए कंस्ट्रक्ट के अंदर। अदरवाइज क्या होता है, रिस्पोंडेंट ने एक पैटर्न देख लेते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट आंसर लाइक दिस, अगर ऐसा है तो ये पैटर्न आ जाता है। तो ये पैटर्न ना हो, ऐसे रिस्पोंडेंट के लिए इतना ना हो ये कि भाई आप पढ़ के बस फटाफट पढ़ ही नहीं रहे, एक तरह से आप समझ गए कि हाँ ये एक सेक्शन है और मेरा ये जवाब है, नेगेटिव भी हो ताकि लोगों को पढ़ना पड़े। ये बहुत शानदार चीज है, अटेंशन चेकिंग, डू राइट इन बिटवीन समवेयर, इफ यू आर रीडिंग इट देन टिक ऑन स्ट्रॉन्गली एग्री और टिक ऑन द स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, लिखें ये। इसका इवेल्यूएशन नहीं किया जाएगा पर ये होना चाहिए आपके, अटेंशन चेकिंग, पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपने कहा है इफ यू आर रीडिंग इट, क्वेश्चन नंबर 14, इफ यू आर रीडिंग इट देन मार्क अ ट्रायंगल, और वहां पर भी टिक मार्क है, छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को, उसने पढ़ के नहीं जवाब दिया, तो वहां ट्रायंगल ही हो, छोटी है बड़ी है वट एवर, स्ट्रॉन्गली एग्री डिसएग्री में नहीं जवाब देना। तो इस तरह से आप कोई भी कर सकते हैं, चेक करें अपने रिस्पोंडेंट को पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एट द टाइम ऑफ डाटा कलेक्शन कंस्ट्रक्ट कभी भी लोअर ऑर्डर हायर ऑर्डर नहीं होते हैं, रिस्पोंडेंट सिर्फ स्टेटमेंट को आंसर देता है, उनसे बाद में हमारा कंसर्न है कौन से कंस्ट्रक्ट की स्टेटमेंट है लोअर ऑर्डर की, अगर उनमें रिलेशन है सेकंड ऑर्डर हायर ऑर्डर वगैरह बने। ये कभी नहीं भूलिएगा कि रिस्पोंडेंट स्टेटमेंट को आंसर करता है, कंस्ट्रक्ट को आंसर नहीं करता है, इसीलिए रिस्पोंडेंट को नहीं पता कि हायर ऑर्डर क्या होता है लोअर ऑर्डर क्या होता है, वो हमें देखना है, बाद में देखेंगे। तो एक बार हम बात करते हैं कि क्या क्या स्टैटिस्टिक्स इन जनरल रिपोर्ट की जाती है मेजरमेंट मॉडल के बारे में, इससे हमें पता लगेगा कौन कौन सी चीजें आपको लेनी चाहिए या लेते हैं लोग। दो तीन तरह की चीजें हैं, अगर आप एक बिल्कुल नया कंस्ट्रक्ट बना रहे हैं तो सर्टेनली फिर तो कंटेंट वैलिडिटी फेस वैलिडिटी आएगा, इसके कुछ न्यूमेरिकल तरीके हैं, मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट में बताया है, एक वीडियो है उसमें बताया, एक्सेल की फाइल भी दी है कि कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स फेस वैलिडिटी इंडेक्स कैसे निकाला जाता है। तो अगर आप कोई अडॉप्टेड स्केल ले रहे हैं किसी का, तब ऑब्वियसली ये काम छोड़ सकते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन से पूछ सकते हैं आप इंडेक्स ना भी निकालें, पर हाँ आपको कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी तो निकालनी ही पड़ेगी चाहे आप किसी का भी स्केल ले रहे हैं। तो उसमें हम रिपोर्ट करते हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, इसके अपने अपने कुछ इंडिकेटर्स हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट है, हर फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट के लिए एक सिंगल ग्लोबल आइटम लेना मैंडेटरी है, दैट इज ओवरऑल इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, जहां भी फॉर्मेटिव होगा वहां एक सिंगल ग्लोबल आइटम होगा, ये याद रखना है आपने, तो डाटा कलेक्शन के टाइम याद रखना है। एक कंसेप्ट है नॉमोलॉजिकल वैलिडिटी का,
नॉमोलॉजिकल वैलिडिटी ये बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये कहा मेरा काम है कि मोटिवेशन से परफॉर्मेंस होता है, और मेरा काम सिर्फ इतना सा ही है मोटिवेशन से परफॉर्मेंस। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसके नॉमोलॉजिकल नेटवर्क में क्या क्या चीजें आएंगी, यानी मोटिवेशन जो है इसके आसपास कौन कौन होता है। तो कोई बोल सकता है जी लीडर का इफेक्ट पड़ता है मोटिवेशन पे, बिल्कुल सही है, और पर्सनैलिटी का इफेक्ट भी पड़ता है। चलिए मोटिवेशन के किसके परफॉर्मेंस होगा तो क्या होगा, मे बी आपका टर्न ओवर कम हो जाएगा, मे बी आपकी कमिटमेंट बढ़ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो पॉइंट है लीडर, पर्सनैलिटी, टर्नओवर, कमिटमेंट, ये आपका जो मेन काम है उसमें नहीं इंक्लूडेड है, लेकिन हम इनको फिर भी मेजर कर लेंगे, नॉट ऑल, किसी एक को मेजर कर लें, दो को मेजर कर लें, फिर भी मेजर करें। इससे हम निकालते हैं नॉमोलॉजिकली नॉमोलॉजिकल वैलिडिटी। हालांकि सिर्फ आर ही निकालते हैं, इसमें कोई लंबी स्टेटिस्टिक्स नहीं है, पर इसका कहने का मतलब ये है ये कैसे इंश्योर हुआ कि मोटिवेशन आपका ठीक है, परफॉर्मेंस आपने ठीक मेजर किया है, परसीव्ड परफॉर्मेंस। तो हम ये कहेंगे देखिए जब भी परफॉर्मेंस होगी टर्नओवर कम हो जाएगा, हमने ये भी मेजर किया और ये भी मेजर किया, रिव्यू बोलता है कि इसका पॉजिटिव आर आता है, जितनी परफॉर्मेंस बढ़ेगी टर्नओवर कम होगा, नेगेटिव आर आता है और ये सिग्निफिकेंट आता है। तो मैंने अपने काम में निकाला मेरा भी ऐसा ही आया, हेंस मेरी मेजरमेंट ठीक है। लीडर का इफेक्ट मोटिवेशन पे पड़ता है, पॉजिटिव आर आता है और सिग्निफिकेंट आना चाहिए, मैंने मेरे काम में ये भी मेजर किया और देखा कि पॉजिटिव आ रहा है, सिग्निफिकेंट आ रहा है, तो मेरा मोटिवेशन भी ठीक मेजर हो गया है, ये मैं मान के चल रहा हूं। नॉमोलॉजिकल वैलिडिटी वो वैलिडिटी है जो बाकियों से निकलती है, ये ध्यान दीजिए। कन्वर्जेंट डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में मैं इसकी स्टेटमेंट, इसका इससे रिलेशन, इससे कन्वर्जेंट डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी निकलेगी, सिंगल ग्लोबल आइटम उससे निकलेगा रिडंडेंसी एनालिसिस। पर नॉमोलॉजिकल वैलिडिटी हमेशा एक्सटर्नल वेरिएबल से निकलती है, इसलिए इनको पूछा जाना चाहिए। ये आप पे डिपेंड करता है, आपको लगे मुझे अपने काम को कितना क्वालिटेटिव करना है। लाइक अगर आप देखते हैं ए स्टार पेपर, वहां तो ये कंपलसरी सही है। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी वेरिएबल की ही होती है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं है, स्मार्ट पीएलएस सॉफ्टवेयर के अंदर है, अमोस में नहीं है ये। एक और चीज जो बहुत पिछले शायद 4-5 साल में पॉपुलर है या लोग पूछते हैं, एंडोजेनेटिक चेक के बारे में। अब इसमें तीन एक प्रॉब्लम है, इसके तीन कारण बनते हैं। पहला तो कॉमन मेथड बायसनेस, उसके लिए आपको एक मार्कर वेरिएबल लेना है विच कैन बी विच शुड बी टोटली अनरिलेटेड विद दिस वर्क, टोटली अनरिलेटेड। तो इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कहा इंसोम्निया, अब ये अब चेक करें क्या इनसे रिलेटेड है या नहीं। कोई बोल सकता है कि भाई परफॉर्मेंस होगी तो इंसोम्निया हो जाएगा, ठीक है माइट बी, फिर तो इसको ड्रॉप कर देंगे, कोई और चीज देखिए इसके अंदर। फॉर एग्जांपल फैशन कॉन्शियसनेस, मैं काम कर रहा हूं अपने जो सिंपल एचआर के अंदर, तो उसके अंदर फैशन कॉन्शियसनेस तो इंडिविजुअल है, उसका मोटिवेशन परफॉर्मेंस से है या नहीं, अब सोचिए देखिए लॉजिक है क्या। एक ऐसा वेरिएबल जो इन वेरिएबल से बिल्कुल भी रिलेटेड ना हो वो लेना है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक्स वेरिएबल है, अब आपका तो ये दावा है एक्स का इन से रिलेशन जीरो है, लेकिन अगर आ गया रिलेशन आता है, अब क्या बोलेंगे आप, तो कैसे आया ये रिलेशन, क्योंकि सेम पर्सन जो इसको आंसर कर रहा है वो इसको भी आंसर कर रहा है, तो वो मेथड बायसनेस आ गया कि आपके तरीके में ही बायसनेस है, वो बायसनेस यहां पे आपका आर के फॉर्म में आ जाएगा, उसके प्रोसीजर्स हैं कैसे उसको रिमूव करेंगे। पर ये कंसेप्ट आप सिर्फ डाटा कलेक्शन के टाइम ही इंक्लूड कर सकते हैं, बाद में नहीं कर सकते। तो सोचिएगा आप करना चाहें तो इसके बारे में लिखना हो तो इसको इंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरह से लेफ्ट आउट वेरिएबल लाइक परफॉर्मेंस, क्या सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करती है, क्या परफॉर्मेंस के और नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल आपके इंसेंटिव पे भी डिपेंड कर सकती है, परफॉर्मेंस आपके कॉम्पिटिटिव प्रेशर पे भी डिपेंड कर सकती है। तो अब ये जो वेरिएबल हैं जो सेटल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं लेकिन आप अपने एरिया में नहीं ले रहे हैं, वो आपके कंट्रोल वेरिएबल होते हैं। नाउ देयर कम्स अ क्वेश्चन, तो फिर तो जो ये हमने लिया नॉमोलॉजिकल नेटवर्क के लिए और जो हमने लिए कंट्रोल वेरिएबल, ये भी एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन कंट्रोल वेरिएबल सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, वो डिपेंडेंट वेरिएबल के
इंडिपेंडेंट ही होते हैं, प्रिडिक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टर्नओवर तो इसका इफेक्ट है ना परफॉर्मेंस का, या कमिटमेंट जो है वो, आप ये बोले कमिटमेंट से परफॉर्मेंस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, यही इसका थर्ड पार्ट है एंडोजेनिटी का, उसका नाम है रेसिप्रोसिटी। एंडोजेनिटी के तीन ही प्रॉब्लम, तीन ही कारण है, कॉमन मेथड वाइजनेस, लेफ्ट आउट और रेसिप्रोसिटी। इन दोनों का आपस में भी इफेक्ट हो सकता है, कमिटमेंट होगा तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो कमिटमेंट होगी। पर कंट्रोल पे वापस आते हैं, जो हमने मार्कर वेरिएबल देखा वो तो बिल्कुल अलग है, उसको तो अलग हटा दें स्टडी से। नोमोलॉजिकल नेटवर्क के लिए जो हमने वेरिएबल देखा वो डिपेंडेंट के लिए भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट के लिए, मीडिएटर के लिए, वो एक अलग है। जो कंट्रोल वेरिएबल है वो सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए होता है, और उसका भी सिर्फ प्रिडिक्टर होता है, सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। नंबर थ्री, ये वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो सेटल्ड हैं, जो माना जाता है कि हाँ ये तो है ही बिल्कुल, लेकिन आप उससे कुछ नया काम कर रहे हैं, इसीलिए उनको कंट्रोल करके तब इफेक्ट देखेंगे। वरना क्या होगा, ऐसा पॉसिबल है कि आपने ये तो मेजर ही नहीं किया, आप मेजर ना करें पर परफॉर्मेंस तो बंदा सैलरी की वजह से दे रहा है, आप मान रहे हैं मोटिवेशन की वजह से दे रहा है, तो उसका इफेक्ट फिर भी आएगा। ये समझ पा रहे हैं आप? जैसे एक एग्जांपल देखिए, एक स्कॉलर ने कहा मैं ये कर रहा हूं कि सीएसआर के जो अब करती है कंपनी, उसकी रिपोर्टिंग का इफेक्ट पड़ता है कंपनी की परफॉर्मेंस पे, ठीक है। अब और वो कुछ भी उन्होंने परफॉर्मेंस मेजर की, सीएसआर रिपोर्टिंग यस या नो ऐसे मेजर कर लिया। अब एक चीज देखिए, परफॉर्मेंस जो आपने मेजर की एक्चुअल, उसमें तो हंड्रेड्स ऑफ चीजों का इफेक्ट आ चुका है ना यहाँ पे परफॉर्मेंस पे। इस पे आपके इंसेंटिव का भी आया होगा, इस पे मोटिवेशन का भी आया होगा, इस पे आपका जो प्रेशर है, इस पे जो आपकी इनसिक्योरिटीज हैं, कॉम्पिटिशन है, उनका भी इफेक्ट आया होगा। आपने इनको तो मेजर ही नहीं किया, लेकिन परफॉर्मेंस में तो सबका इफेक्ट है ना। जैसे आप आज जो भी हैं, इट्स सम टोटल ऑफ एवरीथिंग, आपके पेरेंटिंग कैसे हुई, आपकी स्कूलिंग कैसे हुई, आपके टीचर्स कैसे थे, कॉलेज लाइफ कैसे गई, आज आप जो मुझे दिखते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं वो शायद नहीं देख पा रहा कि आपके टीचर का इफेक्ट कितना है, आपके पेरेंट्स का इफेक्ट, पर आप में तो सारे का इफेक्ट है ना। तो जब उनको हम मेजर करेंगे तभी तो उनके इफेक्ट को रिमूव कर पाएंगे। तो आप ये बोलना कि सीएसआर का, आप ये बोलेंगे बहुत शानदार 40% मेरा आर स्क्वायर है और बहुत ही सिग्निफिकेंट है। माइट भी अगर आप इसके इन इंडिकेटर्स को लें, इसका शायद 1% भी ना मिले या उससे भी कम मिले सीएसआर का। तो जब तक आप कंट्रोल वेरिएबल को लेंगे नहीं, तब तक रियलिटी नहीं आती है। इसलिए सोचिएगा इस पर, कंट्रोल वेरिएबल आप लें या ना लें। तो ये है सिर्फ अगर आपको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी है, ये तो है, कंपल्सरी नहीं है आपके लिए कि लेना ही पड़ेगा। अगर आप क्वालिटी बनाना चाहें पेपर की, थीसिस की, तब इनके बारे में बात की जाएगी। स्किप करना है तो कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली आगे हम चेकलिस्ट पे, देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो ये चार आपके मॉडल्स आएंगे, डीवी और आईडीवी के बिना तो कहानी बनेगी नहीं, ये तो मिनिमम है जो आपको करना पड़ेगा काम। अब थोड़ा सा और अच्छा करना चाहें, जैसे स्कॉलर्स करते हैं तो मॉडरेटर और मीडिएटर भी लेते हैं, मैक्सिमम स्कॉलर यहां तक काम करते हैं, ठीक है। इसके आगे अगर आपको लगे कंट्रोल वेरिएबल लेना चाहिए, जो सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो औरों के नहीं कर रहे हैं हम, कंट्रोल डिपेंडेंट वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं। मार्कर वेरिएबल एक मेथड बायसनेस, अगर आप क्वेश्चनर मेथड यूज कर रहे हैं, सर्वे मेथड कर रहे हैं, तो मार्कर वेरिएबल यहां पर हो सकता है। तो यहां पर एक सीवी हो गया, एक एमवी हो गया। नेक्स्ट, इनमें से डीवी, आईडीवी, मीडिएटर, मॉडरेटर, इनमें कोई भी फॉर्मेटिव है तो एक ग्लोबल सिंगल आइटम भी होगा, लेना चाहिए। फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट की वैलिडिटी को असेसमेंट, कन्वर्जेंट वैलिडिटी को असेसमेंट करने के लिए एक टेक्निक है रिडंडेंसी एनालिसिस, उसमें ये रिक्वायर्ड होता है। एक नोमोलॉजिकल नेटवर्क पे वो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, इस पे भी हो सकता है, इस पे भी हो सकता है, वो होता है नोमोलॉजिकल नेटवर्क का एक वेरिएबल। तो ये आपकी चेकलिस्ट है, क्या आपने इन सबको इंक्लूड किया या नहीं किया अपने काम में। यू कैन प्लान, अगर डाटा कलेक्शन नहीं किया है, कर लिया है, तो अगली स्टडी में आप देख सकते हैं कि कैसे अपने काम को और क्वालिटेटिव बनाना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्वेश्चनर,
सर्वे, डिफरेंट वेरिएबल, स्टैटिस्टिक्स और चेकलिस्ट। होप यू फाइंड इट यूजफुल। लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।